हृदय की धड़कने पोतलियां यशिका वैष्णवी वैदही के कर कमलों से सुशोभित मौनमाला ढोल नगाड़ों की हर्षवर्धक सांकेतिक ध्वनियां मुखारविंद पर बहुरंगी गुलाल कर कमलों में शोभायमान फल स्वरूप श्री फल उक्त सभी धूप छाया की भांति सुख दुख संविशित जीवन की समस्त संचित अनुभूतियां ही इस आर्थिक शाब्दिक अभिनंदन पूर्णता प्रदान करती थी। 37 वर्षों का सरकारी सफर पूर्ण कर सकल बंधनों से नैसर्गिक मुक्ति से अस्ताचल की ओर वे बढ़ता हुआ क्षिप्रग्रामी ताम्रवर्णी तनिक मलाना सा यह अथक दिन दिन कर सागरों की लहरों का हमराज बनकर कारवां से दूर आज इस लवाजमे की तमाम नजरों से ओझल होने को आतुर झुकता है। हीरक हीर सी सुसज्जित तमसी श्यामल शेष पर तनिक विश्रामोपरांत कल की भोर की स्वर्णिम रश्मियां क्रमशः कर्म रेखाओं के प्रारब्धानुसार परिवर्तन करती हुई नियमित स्वाध्याय स्वास्थ्य समाज सेवा ईश्वर उपासना की ओर आपको सतत अग्रेषित करती रहेगी। शिक्षा क्षेत्र में दीक्षित प्रतिष्ठित अनुशासित कर्मनिष्ठ सहृदयी समाज सेवी सत्कार्यों के लिए उद्यमशील धर्मपरायण में तत्पर रहे कभी आपने अपने जीवन लक्ष्य से चुकता होने वाले कर्मयोगी श्रीमान देवी दत्त को आजीवन उपलब्धि सम्मान से सम्मानित करते हुए राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कुलबहाल गर्व का अनुभव कर रहा है। आत्मज्ञान समारंभ से दीक्षा धर्म नित्यता यामर्थन नापकर्षण की हरि प्रकाशम तम नमामि। अंत में मैं अपनी ओर से गुरु जी को एक पंक्ति बनाना चाहता हूँ कि ये कुलबहाल विद्यालय आपसे बहुत ही प्यार करता है, इसीलिए भूल कर भी भूल से कभी भूल ना पाएंगे हम, अगर भूलना भी चाहेंगे तो चाहेंगे आपको तो भूलना ही भूल जाएंगे। धन्यवाद। स्मरणीय श्रीगुल महाराज एवं देवता मंगेश्वर महाराज के चरणों में मेरा शत शत नमन। परम श्रद्धेय प्रधानाचार्य महोदय जी, पाठशाला स्टाफ के सभी सदस्यगण, वंदे मातृशक्ति, मेरे साथ मेरे परिवार के सभी आए हुए सदस्यगण, सैंतीस वर्षों के सतत सेवाकाल के बाद शिक्षा जगत से सेवानिवृत्त होने के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूँ, क्योंकि मेरे विषय में जितना कुछ कहा जा चुका है मैं खुद भ्रम में हूँ कि क्या ये गुण मेरे अंदर है सभी, जो कुछ यहाँ बखान किया गया मेरे स्टाफ द्वारा, विरह वेदना मिलन जुदाई ये सभी चीजें एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और प्रकृति के नियमों का हम हर क्षेत्र में पालन करते हैं। जो व्यक्ति सरकारी सेवा में आएगा अवश्य ही सेवानिवृत्त होगा, ये ठीक है कि जहाँ मिलन एक सुखद अनुभूति है वहीं विदाई एक दुखद अनुभूति है, ये हमारे दैनिक जीवन में भी हम इस बात अनुभव करते हैं कि जब हम मिलते हैं
कभी भी मिलन वैसे संयोग है, वैसे प्री प्लांट तो बहुत कम मिलते हैं, मिलन संयोग है। वी मीट टू डिपार्ट, जब मिले हैं तो जुदा अवश्य होंगे, और मिलन एक बहुत सुखद अनुभूति है। ये मनुष्य के अंदर ही नहीं है, ये हम कहाँ देखते हैं, प्रकृति की हर वस्तु के अंदर, यहाँ तक कि पशु पक्षी। कोई पक्षी मर जाता है तो बाकी पक्षी उसके चेहरे पर विकट हो जाते हैं, कोई पशु मर जाता है तो जब उसको ले जाते हैं तो बाकी जो पशु होते हैं उसके साथ के वो चीखते हैं। तो हम तो जीते जागते मानव हैं, तो हमारे अंदर तो ये अनुभूति होना स्वाभाविक है। और वी आर थैंकफुल टू गॉड, व्हाई? God has given us a divine gift, that is brain. Only man is superior due to other creatures in the universe because of this brain. हमारे अंदर brain है, बाकी पशु पक्षियों में हर चीज, सारी अनुभूतियां हैं हमारी तरह, लेकिन brain उनके पास है, लेकिन वो working brain है। तो जब हमारे अंदर भगवान ने इतनी supreme power, जो अब भगवान की अपनी power है, वही हमें दे दी, and it is why we are superior from other creatures. तो इसलिए जुदाई की अनुभूति हमारे अंदर अवश्य होगी। तो जब मैं आया था तो यहाँ बहुत अच्छा लगा, बहुत स्टाफ के लोगों से मिलन हुआ, लेकिन अब आज जब मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो मैं बहुत सेंटिमेंटल हो गया हूँ। वो इसलिए कि मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी स्टाफ की तरफ से या भगवान की तरफ से ये देन है। कारण यह था कि पिछले एक वर्ष से लॉकडाउन के दौरान जितने भी कर्मचारी, पिछले 27 मार्च को एक हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाली थी कि जब तक कोविड की बंदिश रहेगी तब तक जो भी, जिस भी डिपार्टमेंट के जो भी कर्मचारी सेवानिवृत्त होंगे वो ऑटोमेटिकली घर में ही बैठे रहे, वो वही सेवानिवृत्त माने जाएंगे। तो अभी भी लॉकडाउन लगने वाला ही था या नहीं लगा, तो ये मेरी खुशकिस्मती और मेरा सौभाग्य था। तो ये मेरे लिए तो ये जो क्षण है चिरस्मरणीय है और मैं इसका बखान नहीं कर सकता हूँ। और अब मिलन और जुदाई की बात तो ये है कि मिलकर भी छूना दस्तूर है जिंदगी का, बस यही तो किस्सा है इस खूबसूरत जिंदगी का। बीते हुए पल कभी लौट कर नहीं आते, यही तो किस्सा है इस खूबसूरत जिंदगी का। लेकिन जो लम्हे हैं, बीता समय भले ही ना आए, लेकिन बीते हुए समय के आप लोगों के साथ बिताए गए वो लम्हे मैं कदापि नहीं भूल पाऊंगा। उस धार पर हमारा मिलन और नीचे जो हमारी वाटिका थी बच्चों के, ऐसी ये तो ऐसी जैसे हम अपने धर्म ग्रंथों में पढ़ते थे क्या कि आदिकाल में जो पाठशालाएं होती थी उस तरह की पाठशालाएं हम यहाँ पर प्रकृति की गोद में करते थे। तो ये कुलवाल कम से कम मेरे लिए स्वर्ग से कम नहीं है, और वैसे भी देवता महाराज की भूमि है। मेयर एंडी जी अक्सर जब हम इकट्ठे रहते थे तो हम आपस में बात करते हैं कि पुलवाल पहुंचना मुश्किल है, तो पुलवाल पहुंच गए तो यहाँ से जाने को तबीयत नहीं कर रही, सिर्फ आवागमन की वजह से थोड़ी सी परेशानी, हम यही बात कर रहे थे। जब पहुँच गए तो बड़ा आनंद है पुलवाल में, लोग बहुत अच्छे, स्टाफ बहुत अच्छा, पूरा जो सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। बाकी डिपेंड अपने ऊपर करता है, क्योंकि दिस लाइफ इज जस्ट लाइक एन वन एक्ट प्ले, ऑल ऑफ अस वी और वी पीपल हैव कम हियर, प्ले अवर रोल एंड डिसअपीयर। बट क्वेश्चन इज हाउ डज वी प्ले द रोल हियर, वो काउंट करता है। मैं यहाँ रहा 3-3.5 साल, तो मेरा यहाँ रोल क्या था, मेरा स्टाफ के साथ क्या रोल था, मेरा बच्चों के साथ क्या रोल था, मेरा क्या स्वभाव था, क्या मेरा व्यवहार था, वो चीज़ काउंट करती है। और वही चीज मुझे भी याद आएगी और आपको भी याद आएगी। मैं कोशिश करता हूँ बहुत लंबा सेवाकाल, 37 वर्ष का सेवाकाल आज के समय में नहीं, तो इतने लंबे समय से आप खुद समझिए कि 37 साल पहले पढ़ने पढ़ने का क्या सिस्टम था और आज क्या सिस्टम। तो इतने लंबे सेवाकाल में मेरा जो यहाँ का ये सेवाकाल रहा बहुत ही अच्छा सेवाकाल, बहुत बढ़िया, बहुत पूरे समय में जो अनुभव है वो अनुभव मैं आपके साथ इसलिए साझा करना चाहूँगा कि जीवन में जैसे अभी सर ने भी कहा था तो कि फूल कितना भी सुंदर हो तो उसका जो वैल्यू है वो खुशबू से होती है। इसलिए मनुष्य के अंदर अगर गुण हैं तभी उन गुणों के कारण ही उसकी पूजा होती है या उसकी यादगार होती है। तो क्लेश ना हो,
मैं जोर से नहीं बोलता हूँ, कोशिश करता हूँ मतलब कि मैं इन इस तरह के गुणों को अपनाऊँ, लेकिन ये गुण मेरा यही है। अगर आप ये कहें तो घर में अगर बात करें तो घर में मैं बहुत सख्त हूँ, घर वाले मेरे से बहुत परेशान हैं और अब शायद इसके बाद बहुत ज़्यादा परेशान होंगे क्योंकि मैं परमात्मा से परेशान होने वाला हूँ। तो तनाव में तो उल्टा लगता है। यही खट्टी मीठी यादें जो है इस जीवन में कामयाब। फिर दूसरी बात ये है कि मैं बहुत ही पुअर बैकग्राउंड से निकला हुआ आदमी, मैं सिर्फ आपको अपनी कहानी भी नहीं सुना रहा हूँ और ना ही मैं ये जताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आई एम वेरी मच प्रॉस्परस, मेरे पास सब कुछ है, बच्चे हैं, सब नौकरी में हैं, ये कहने का तात्पर्य मेरा नहीं है। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य केवल एक है कि मैं इस स्टेज तक कैसे पहुँचा। मेरे माता और पिताजी बहुत ही गरीब थे और जब उन्होंने, हम छः भाई बहने थे, एक मेरे ब्रदर एक्सपायर हो गए थे, तो उस वक्त की स्थिति में वो कई बार स्वयं भूखे रहते थे और हमारे को खाना दे देते थे, मतलब तो इतनी गरीब थे हम। लेकिन पिताजी ने मुझे एक सबक दिया कि बी पंक्चुअल और ईमानदारी, दाव पेच नहीं करने का, और मैं उसी स्थिति में चलता रहा, बहुत मुश्किलात में पड़ा मैंने। और ये मेरे जीवन का एक और पहलू, महत्वपूर्ण पहलू वो ये है कि जो हम पढ़ते भी आम शब्दों में कि किसी भी मनुष्य की सफलता के पीछे किसी नारी का हाथ होता है, लेकिन नारी का हाथ अवश्य होता है, सबसे पहले माता पिता, उसके बाद गुरु, तीसरे स्थान पर किसी नारी का, वो नारी बहन भी हो सकती है, वो पत्नी भी हो सकती है, वो माँ भी हो सकती है। तो माता पिता और गुरु के बाद अगर मैं सम्मान देता हूँ तो मैं अपनी पत्नी को देता हूँ, कारण क्योंकि सफलता, मेरी सफलता का राज मेरी बीवी है। वो इसलिए है कि एक और चीज़ बताऊँ आपको, मैंने बताया नहीं था ये कि मेरी शादी मैट्रिक के पेपर हुए थे 25 मार्च को ख़त्म और मेरी शादी हुई थी 6 अप्रैल, रिजल्ट आया मेरा जून, ये मैंने आपको कभी नहीं बताया था, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ कि आई स्टूड फर्स्ट, पढ़ने में ठीक था, वो तो आपने, मैं ये नहीं बताना जा रहा हूँ कि आप ये मत समझिए, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कामयाबी के क्या दाव पेज है। मैं प्राइवेट, मैंने ग्रेजुएशन की है एंड आई एम फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट, आर्ट्स में वो क्या कहते हैं डिवीजन नहीं बनती आर्ट्स सब्जेक्ट, स्टिल मेरी प्राइवेट स्टडी। तो उसके बाद शादी के बाद मैंने पिताजी को कहा मुझे तो कॉलेज जाना है, अब ये आपके गले नहीं उतरेगा कि शादी के बाद मैं कॉलेज गया, प्रेप में भी मैंने फर्स्ट डिवीजन में प्रेप पास की, उसको प्रेप हुआ करती थी, फिर फर्स्ट ईयर भी मैंने उसमें फर्स्ट डिवीजन में पास की। शादी ऐसी मैरिज थी कि नहीं देखा नहीं था एक दूसरे, अरे वो अब उस वक्त स्कूल गोइंग बच्चे कहाँ, अब तो हो जाता है ना, अब हमारे हर साल दो बार में दो शादियाँ होती है, स्कूल से दो लड़कियाँ चली जाती हैं। तो इसलिए अब ये देखोगे उसके बाद मैंने बी ए भी की, मैंने एम ए भी की, मैंने बी एड भी की, कंप्लीट स्टडी के लिए ये मुझे मोटिवेट करती रही, बच्चों को भी पढ़ाते रहे साथ में, अपने साथ पास ही पढ़ाए सारे बच्चे, और सारे बच्चे आज अब मतलब क्लास वन हैं तीनों, बैंक में भी दूसरा भी। तो मेरा मतलब ये है कहने का, मैं अपने बारे में नहीं बताना चाहता कि का मूल मंत्र जो है सफलता का मूल मंत्र जीवन में ईमानदारी, अपने काम को, पहले जब 20 साल की 21 साल की नौकरी में मैं सर्विस में लगा तो उस वक्त तो शौक था कि मैं मास्टर लग गया, बड़ी दिन रात पढ़ाना और लोगों में इसलिए बड़ा अच्छा मैसेज गया। बाद में क्या हुआ, पहले शौक था, बाद में वो आदत बनी, जब आदत बनी, आदत बनने के बाद उसका मेरे को जो सुगंध मिली वो ये थी कि मैंने दूसरों के बच्चे पढ़ाए, मेरे बच्चे ऑटोमेटिकली आगे पढ़ गए। खास करके हमारे ऊपर बहुत प्रेशर टीचर्स के, अगर हम दूसरों के बच्चों को बर्बाद करेंगे भगवान हमारे बच्चों को बर्बाद करेगा। तो इसलिए मैं शिक्षा जगत से रिटायरमेंट कह सकता हूँ, मैं विदाई नहीं ले रहा हूँ। डॉक्टर और टीचर का प्रोफेशन ऐसा है, अब मैं किसी को नहीं बोल रहा पर्टिकुलरली, अगर बाबूजी रिटायर होते हैं तो घर में क्या क्लर्की करेंगे, ये नहीं हो सकती ना घर में रिटायर होने के बाद, लेकिन टीचर है वो डॉक्टर है, हम रिटायर होने के बाद भी डॉक्टर भी अपनी सेवाएं देते हैं, टीचर भी अपनी और सेवाएं देते हैं। तो ये मतलब वी आर लकी एनफ दैट वी हैव गॉट दिस गुड प्रोफेशन टीचिंग, तो हमारे को भगवान का शुक्र गुजार करना चाहिए। तो अब मैं
मतलब थोड़ा निरुत्तर सा हूँ, क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, ये जो कुछ बोल रहा हूँ ये मुझे पता नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। उसका कारण ये है कि मुझे यहाँ बहुत प्यार मिला सर, बहुत से भी ज्यादा ऊपर। जब मैं यहाँ 1.5 साल और विजिटिंग करता रहा तब भी, और मतलब बहुत ही, अब मैं थोड़ा भावुक हूँ कि अब जब आया हूँ तो जाना तो है घर, लेकिन यहाँ से मेरा, यहाँ के स्टाफ से, उद्वार से मेरा रिश्ता बिल्कुल अटूट रिश्ता है। और मैं स्टाफ के लिए मेरा संदेश, वो संदेश इसलिए कि मेरे लिए जो सम्मान था बहुत उत्तम था, उसके पीछे कारण एक और भी था कि यहाँ जितने भी स्टाफ के लोग हैं, मैक्सिमम आई थिंक ज्ञान जी, राजीव जी और बाबू जी को छोड़ के सारे स्टाफ के जो लोग हैं वो मेरे बच्चों भी होंगे। और कुछ तो ऐसे हैं जिनकी मैंने 1984 में जॉब स्टार्ट कर दी है और उनका तब तक नामो निशान नहीं उनका जन्म पैदा भी नहीं हुए, तो मैंने अभी इनको बच्चों की तरह देखा है और इन्होंने भी मुझे जैसे बाप को या बड़े को प्यार दिया जाता है वही प्यार दिया। तो एक यही मेरा आपसे विनम्र निवेदन रहेगा कि स्टाफ में मतलब ये रिस्पेक्ट जो है ना, इट इज़ वेरी पावरफुल इंस्ट्रूमेंट, इट इज़ जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट। जो रिस्पेक्ट है ना, ये कैसी है, इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्ट करते हैं ना पैसा कहे के लिए और प्रॉफिट नहीं मिलता है, तो इट इज़ जस्ट लाइक रिस्पेक्ट इज जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट, वट एवर वी इन्वेस्ट इट कम्स टू बी पीपल बैक विद प्रॉफिट। तो मान सम्मान उस चीज का सम्मान होता है जीवन में, सम्मान और जीवन में आदर, वो हर मनुष्य के अंदर कूट कूट कर भरा होना चाहिए। और फिर ये ड्यूअल प्रोसेस है, मैं आपको प्यार दूंगा आप मुझे प्यार देंगे, मतलब बिहेव पर ही सब कुछ काउंट करता है, बाकी अब मुझे क्या पता है यहाँ इतना बड़ा फंक्शन आपने कर दिया, मन में किसके मन में मेरे लिए कोई और इलविल भी हो सकती है या मेरी भी हो सकती है किसी के लिए, मतलब मैं बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ क्योंकि मतलब फेस इज द मिरर ऑफ माइंड, मतलब जो हमारा फेस एक्सप्रेशन है उसी से पता लगता है कि हमारे के क्या संबंध है। तो इसलिए कोशिश करो कि स्टाफ में बहुत अच्छा सा तालमेल बना रहे, एक परिवार का तालमेल बना रहे, स्टाफ भी परिवार होता है, क्यों परिवार होता है, स्टाफ इसलिए परिवार है। अब मैं शनिवार को घर जाता हूँ तो एक दिन के लिए मैं अपने परिवार में जाता हूँ, हालांकि असली परिवार मेरा ये है जहाँ मैं अब जा रहा हूँ, लेकिन परिवार कौन सा जहाँ 6 दिन रहते हैं, तो एडजस्टमेंट कहाँ करनी है, एडजस्टमेंट तो यहाँ करनी है। तो इसलिए ये एक मेरा सेवानिवृत्त होने के अवसर पर, या आप बड़ा मान के चलो लोगों की उम्र में उम्रदराज होने के लिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि कहानी आपस में बहुत बढ़िया तालमेल बनाए रखिए, कुछ नहीं ले जाना वैसे ही चलता है, ये मैं आया मैं चला गया, मेरी यादें यहाँ रहेंगी, मैं घर जाके आप लोगों के स्टाफ की जो है यादें हैं वो मेरे साथ रहेंगी। तो मैंने तो कभी एक्सपेक्ट नहीं करता था जितना कुछ आप लोगों ने यहाँ जो कुछ किया, इट इज़ बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशन। आई एम हाईली थैंकफुल टू प्रिंसिपल साहब, क्योंकि डायरेक्शन तो प्रिंसिपल साहब की रहती है, मुखिया जो हेड है आपकी डायरेक्शन रहती है, और स्टाफ और प्रिंसिपल में भी एक परिवार का संबंध रहता है। तो मेरा ख्याल है इतना बड़ा जो आपने किया वो अगर आपसी तालमेल से बहुत बढ़िया, इससे भी ज़्यादा। तो फिर एक और मेरी विनम्र निवेदन आपसे रहेगा कि हो सकता है बीच में, वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि कभी कुछ जोर से ना बोला जाए, कई बार ऐसा था मूड कभी किसी का या अगला शब्द था, मेरा कहने का मतलब मैंने मैडम को कुछ बात अपने लेवल से कुछ और ढंग से कही और आपने किसी दूसरे तरीके से, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग समझना, मेरा कहने का था पहले कुछ और था, आपने कुछ और समझ लिया तो जोर से बोल दिया जी, तो झाड़ दी मेरे ऊपर। तो मतलब ये कोई इस तरह का मैं कोशिश की थी मैंने कि कुछ ऐसा ना हो, तो मैं आपसे बड़ा होने के नाते क्षमा मांगता हूँ कि कोई ऐसी ऐसी बात नहीं सर, ये बात तो बोल नहीं सर, ये सीखने की बात ये है कि हम बच्चों से भी सीखते हैं। अभी ना हो बुजुर्ग है हमारे घर में 80 साल के बुजुर्ग तो पढ़े लिखे भाई नहीं, हमारे माता पिता ही तो हम बोले कि हम तो पढ़े लिखे भाई तुम्हारे तो पता ही नहीं है, लेकिन जो अनुभव उनके पास है तो ये अनुभव जो है अनुभव बांटना भी चाहिए, और अनुभव से ही आदमी, क्योंकि आदमी चाहे कितना पढ़ा लिखा है आदमी चाहे कितना धनवान है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैन शुड बी मैन, जब तक वो आदमी नहीं है उसके अंदर इंसानियत नहीं है तब तक वो पढ़ा लिखा है चाहे वो धनवान है चाहे वो कैसा है। थोड़ा सा
मेरे कर्म नहीं है ये मेरे माता पिता के और मेरे बुजुर्गों के कर्म है, क्योंकि मुझे पता है कि उनकी क्या हालत है। अब भुगती उन्होंने और आनंद मैं नहीं रहा हूँ या मेरे बच्चे नहीं रहे, तो इसलिए जीवन में आपको कुछ नहीं करना, डू योर ड्यूटी, गॉड विल रिवार्ड। बस एक ही है जीवन का मूल मंत्र कि अपना काम करते जाओ, इसका असर बच्चों पर भी होगा, बच्चे अच्छे बनेंगे। सिर्फ ये है कि आप अपनी ड्यूटी प्रॉपरली करें, दूसरा एटीट्यूड थोड़ा सा पॉजिटिव रखें हर क्षेत्र में। तो पॉजिटिविटी जब जीवन में रहेगी तो आदमी जो है निसंदेह कामयाब होता है। तो अधिक मैं कुछ कह नहीं सकता हूं, दुख हो रहा है जाते हुए, क्योंकि केवल मात्र स्टाफ की बात है, स्टाफ और जो भी जहां जहां मैं रहा, 7-8 स्कूल देखे, ब्लॉक में भी रहा, तो यहाँ ये आखिरी स्कूल ऐसा मिला जिससे मुझे आज मैं गदगद हूँ, बड़ी प्रसन्नता हो रही है मुझे। और हमारे शास्त्रों में 16 संस्कारों का वर्णन है आता है, जब आपने पढ़ा है या 16 संस्कार है, तो अपने जन्म से शुरू होते हैं और आखिरी संस्कार मृत्यु संस्कार है। लेकिन अब इस समय में एक बहुत अच्छी बात है, 17वां संस्कार जुड़ गया, कौन सा? रिटायरमेंट संस्कार। अब ये इस ढंग से, पहले जब हमारे समय में टीचर्स रिटायर होते थे, मैं भी यूनियनिस्ट रहा, तो फिर एक और चीज मैंने देखी, जब हम रिटायर किया करते थे, हम आप जैसे यंग थे तो बुजुर्ग जब रिटायर होते थे तो बुरी हालत रह जाते थे बेचारे रिटायरमेंट के लिए, और मेरे को वैसा लग रहा हूँ वैसा कि मैं क्यों मेरे को रिटायर कर रहे हैं। मेरी रूटीन अभी भी ऐसी है कि अगर मैं आज की बात करूं, बहुए माइंड करेगी कि वहाँ हमारे बेइज्जती हो रही है, मैं अभी 4 बजे उठ गया, मैं रूटीन अपू, ये मेरे को बोलते भी कि क्यों उठता है, करता क्या है उसके बाद कुछ ना करूं, लेकिन मैं उठ जाता हूँ और अपने काम में करता हूँ, इनको किसी को नहीं उठाता, इवन कि मिसेज को भी नहीं उठाता, तो ये मेरी अपनी रूटीन है। तो अधिक मैं कुछ नहीं कहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंसिपल साहब, स्टाफ, आप लोगों ने जो कुछ किया ये बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशन, मेरी खुशी में अगर शामिल होने के लिए आप अधिक संख्या से सब के सब चल पाए तो बहुत अच्छा। बाकी एक बार पुनः समस्त स्टाफ का, मेरे परिवार की ओर से भी, आपने तो बहुत अच्छा किया, मेरे परिवार के जो लोग साथ आए थे उन्हें भी एक ऐसी यादगार पल उनके लिए भी बना दिया, मेरे लिए तो है ही लेकिन मेरे परिवार के लिए भी, इन्होंने भी ये सोचा नहीं होगा। और ये भाग्य की बात है, जब हमने पहले दीदी जी को फोन किया था, मैंने कहा था हमने और मेरी मिसेस दो तो मेरे साथ ऐसे ये कि ये हिलते ही नहीं मेरे से बड़े बच्चे, तो एक बेटा मैंने कहा कोई हमारे को गाड़ी में लेके चले, लेकिन घर में आके कल शाम को से स्ट्रे आई, उन्होंने कहा यहाँ हम देख लेंगे सारा, तुम सब जाओ, उनका गाँव वाले मजाक करेंगे कि घर में फंक्शन बहुत है 400-500 लोगों के घर में, बंदे भी हम यहाँ सभी स्टाफ के सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो कि मुख्य अतिथि है श्री देविंदर शर्मा जी, और उनके साथ है इनके परिवार के सदस्यों का मैं यहाँ पर आधिक अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ अपने विद्यालय की ओर से। श्रीमान जी, आपका जो अनुभव अब तक का रहा है वो बहुत ही सराहनीय रहा है, आपका बखान किया वो शायद मैं ये नहीं कहता कि कम था, पर वो जो है बहुत ज्यादा भी नहीं था, आप उससे भी ज्यादा हमारे लिए जो है वो सम्माननीय है। आपने कहा कि मैं शायद इतना नहीं समझ पा रहा कि मैंने जो कहा वो ठीक है या गलत है, मैं क्या कह रहा हूँ, आप जो है उस कस्तूरी मृग की तरह है श्रीमान, जो कि अपने आप के अंदर की खुशबू को नहीं समझ पाया, आप जो है उस मोती की तरह है जो सीप के अंदर होता है परंतु उसको पता नहीं होता कि वो जो है उसके अंदर है। आपका जो हमारे लिए जो योगदान रहा, हमारे लिए जो आपका अनुभव रहा, वो हम कभी नहीं भूल पाएंगे। आपने कहा कि शायद हमारे जो है आपके माता पिता के ये कर्म था, वो उनके संस्कार थे जो आपको यहाँ तक लेके आए, पर कर्म जो है आपका, आप जो है बहुत ही कर्मशील एक व्यक्तित्व तो आपका हम कह सकते हैं, जिससे हमें जो है आने वाले समय में हमारे को भी बहुत
उम्र रही है, बहुत सारा हमारा भी जो है समय रहा है नौकरी का, आपने तो शायद जितनी हमारी उम्र नहीं हुई उतना समय आपने जो है वो नौकरी की है, सर्विस की है। आज इस सेवा जब आप जो है इस सेवा निवृत्त हो रहे हैं, अवश्य रूप से आप सेवा निवृत्त ही हो रहे हैं, आप यहाँ से इस विभाग को छोड़ के जा रहे हैं, आप जो है जो आपका अध्यापक का जो अध्यापन का जो प्रोफेशन है उसको शायद आप ना छोड़ पाएंगे, क्योंकि ये जो है हमारा अध्यापक और जो आपने कहा कि अध्यापक और जो एक हमारे डॉक्टर का जो प्रोफेशन होता है वो ताउम्र जो है वो प्रोफेशन चला रहता है। आपके इस जो आपका अनुभव हमारे साथ जो आपने साझा किया, बशर्ते मैं वो बात नहीं भूल पा रहा हूँ कि आपने जो बात कही कि हम जो है उस वाटिका को नहीं भूल पाएंगे, आपको शायद ऐसा लग रहा है क्योंकि आप तो चले भी जाएंगे, आप अपने उस परिवार के साथ जा रहे हैं जो आपका वास्तव में परिवार है, आप तो शायद भूल भी जाएंगे, पर हम जब तक यहाँ रहेंगे हम, मैं इसमें कोई दोराय नहीं है कि भावुक के क्षण है, भावुकता के मैं भी भावुक हो रहा हूँ क्योंकि आपसे मेरा शायद कुछ पारिवारिक संबंध भी जुड़ा था, ऐसा नहीं है कि बाकियों का भी होगा पर मेरा इनसे था कुछ इस तरह का, तो वो बाकी का शायद हम कभी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि परसों की बात मैं आपको बताता हूँ, मैं और एनडी सर जो है यहाँ पर थे, तो यहाँ पर हम पार्क को गए और हमारी यही बात लगी थी, मैंने कहा अब जो है हम डीडी सर हमारे साथ नहीं होंगे, क्योंकि अक्सर जो है हम, मैं एनडी सर और अपने डीडी जी, क्या नाम, डीपी जी, सब जो है हम मतलब जितने भी जेन स्टाफ होता था वो जाके अपने सुख दुख या अपना अनुभव वहां साझा करते थे, तो वो हम जो है नहीं भूल पाएंगे उसको, जो क्षण होते हैं वो जिंदगी में आते रहते हैं, चलता रहता, समय का जो पहिया है वो ऐसा ही चलता रहेगा, जैसा कि आपने कहा हमारे प्रिंसिपल महोदय ने कहा कि आज हम हैं कल जो है हम भी रिटायर हो जाएंगे, यहाँ से सेवानिवृत्त हो जाएंगे, ये सबके साथ होना है, पर कुछ शख्सियत ऐसी होती है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको जो है हम अपने अंदर पिरो जाते हैं, मतलब वो उनका जो व्यक्तित्व होता है वो हमारे को इस तरह से प्रभावित करता है कि हम उसको नहीं भूल पाते, तो आप उनमें से एक, आप उन व्यक्तित्वों में से एक है। हमारे यहाँ पर मुझे 15 वर्ष हो गए हैं इस संस्थान में काम करते हुए, मेरा जो मैं अपना बता रहा हूँ तो मेरा भी काफी अनुभव जो इससे पहले का रहा, काफी लोगों से मिला, पर जिस तरह का आपका जो एक संस्कार जो हमें मिले आपसे, जो एक अनुभव मिला हमें काम करने का, वो हम नहीं भूल पाएंगे, उसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं, तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें इस तरह का एक अनुभव से अवगत करवाया। और दूसरा जो है हम अभी हो सकता है कि जैसा कि अभी अभी बात कही थी कि हम जो है कई बार मजाक में कुछ ज्यादा ही कह देते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो उसके लिए हम बिल्कुल तहे दिल से आपसे क्षमा याचना करेंगे कि वो जो है चीजें आप यहीं छोड़ के जाए, साथ ना ले जाए, ये मुझे पता है कि आप नहीं ले जाएंगे, आपका आपका जो है बिहेवियर ऐसा था, क्योंकि इस उम्र दराज के आदमी के साथ मजाक वही आदमी करता है जो एक हसमुख अनुभूति वाला आदमी हो, हसमुख जिसका जो है एक करेक्टर हो, तो आपका वो करेक्टर था, हमें बहुत याद रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक जो है मैं आपके साथ आए सभी आपके परिवार के सदस्यों का फिर से जो है अपने विद्यालय की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, और आपके ये जो वाटिका है इतना बड़ा आप जो है एक फुलवारी जो आपने अपने जीवन में किया है उस फुलवारी को शुभकामनाएं देता हूँ अपनी तरफ से, अपने विद्यालय की तरफ से, कि ये फुलवारी जो है दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करे, इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे কোলে মাঝে খোড়ে দে জানে কোবে গায়ে মাঝে খোড়ে দে জানে কোবে চলে মাঝে খোড়ে দে জানে কোবে গায়ে মাঝে খোড়ে দে ওরে মা
मारे गरीब और पापे गोले ले जाने को दाये पापे गोले ले मारे गरीब और पापे गोले ले जाने को दाये पापे गोले ले लागे यो नाटे घूमणो जाने को दाये नाटे घूमणो थोड़े दे लागे यो नाटे घूमणो जाने को दाये नाटे घूमणो बोले बडारिया के ते सुनना जाने को दाये के ते सुनना बोले बडारिया के ते सुनना जाने को दाये के ते सुनना शाली बजारो दे बेशे दौर दे जाने को दाये बेशे दौर दे शाली बजारो दे बेशे दौर दे जाने को दाये बेशे दौर दे दाने रे तेरे मोर दे जाने को दाये तेरे मोर दे दिलड़ो दाने रे तेरे मोर दे जाने को दाये तेरे मोर दे फूलो ले मोतरे फूलो मोतरे जाने को दाये फूलो मोतरे फूलो ले मोतरे फूलो मोतरे जाने को दाये फूलो मोतरे